भिलाई के सूर्या टीआई मॉल में पार्किंग के ठेकेदार ने क्षेत्र के पार्षद पर अवैध वसूली और शराब की मांग करने का आरोप लगाया। ठेकेदार अंशु प्रसाद ने बताया कि वह खुद भाजपा का पदाधिकारी है। गाड़ी पार्किंग करने का ठेका 16 मार्च 2024 को लिया गया है। तब से पार्षद मुझे हर महीने 10,000 रुपए देने के लिए दबाव बना रहा है। पार्षद द्वारा जबरन गलत आरोप लगाकर पैसा वसूली करने का काम किया जा रहा है। वहीं वार्ड 2 के पार्षद मुकेश अग्रवाल ने कहा कि ठेकेदार द्वारा मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वह बेबुनियाद है। 10,000 रुपए मांगने का उनके पास कोई साक्ष्य तो प्रस्तुत कर दें, नहीं तो मैं मानहानि का दावा ठोकूंगा। वहीं स्मृति नगर पुलिस चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक पुरुषोत्तम कुर्रे का कहना है कि सूर्या मॉल के ठेकेदार के द्वारा वार्ड 2 के पार्षद पर वसूली करने का आवेदन दिया गया है। आरोप लगाया गया है कि वार्ड 2 के पार्षद जबरन पैसा मांगते हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं 16 मार्च 2024 को ठेका लिया हूं। तब से लेके अभी तक मुझे वार्ड नंबर 2 का जो पार्षद है मुकेश अग्रवाल जी द्वारा बार 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 पैसे की वसूली के लिए कि आप यहाँ पे ठेका लिए हो तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो मेरे द्वारा हमेशा मना किया गया है। मैं भी एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरे द्वारा भी छोटा मोटा काम किया जा रहा है वहाँ पे, लेकिन वो निरंतर मेरे को विगत 1.5 महीने से 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। पैसा दो नहीं करना करूँगा, तुम्हारा पार्किंग बंद करा दूंगा, बार बार परेशान करते हैं। वहाँ पे मेरी महिला स्टाफ भी हैं, जो महिला कर्मचारी काम करती हैं उनको भी आगे धमकाते हैं। वो भयंकर बहुत ज़्यादा भयभीत हैं कि कब क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, अंदर करा दूंगा, मतलब बहुत सारी बातें करते हैं। ये 1.5 महीने से मैं परेशान, मतलब 10,000 रुपये आप मेरे को महीना दो, फिर उसके बाद दारू की बोतल, आप यहाँ पार्किंग लिए हो सूर्या टीआई मॉल में पार्किंग लिए हो उसके लिए, और फिर बाद में मेरे को बोलते हैं कि आप लोग बाहर रोड पे खड़े होके कार का अवैध पर्ची काटते हैं, जबकि हमारे द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा कार की बाहर जो रोड पे गाड़ी खड़ी रहती है उसमें बिल्कुल कहीं पर्ची नहीं काटी जाती, बल्कि हम अपने खुद के खर्चे से 4 लड़के जिसके वेतन मान 10,000 रुपये है सबका, वो 4 लड़के हम रोड पे रखे हैं और लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी जो पार्किंग है गाड़ियाँ हैं वो एक व्यवस्थित पार्किंग के अंदर करिएगा, फिर भी लोग नहीं मानते उस चीज़ को लेकर। उसके बाद क्या, शनिवार इतवार को जब बहुत ज़्यादा भीड़ जाती है तो मॉल के सामने में ही रैली है जो जगह है, तो जब हम लोग जब पूरा भर जाता है तब शनिवार इतवार को निगम के सामने हम लोग मौखिक तौर पर निगम वाले भी हमको परमिट किए कि आप लोग वहाँ खड़ा कर सकते हो जब अंदर पूरे तरीके से भर जाए, तो लोग बाइक वहाँ खड़ा करते हैं उसकी पर्ची हम काटते हैं शनिवार इतवार। नहीं लिखित लिखित में कुछ नहीं आया, ये आपस में समझौता, मतलब वो समझने वाली बात है कि भाई अंदर भर गया है तो गाड़ी आदमी खड़ा कहाँ रखेगा, तो उसको व्यवस्थित रखने के लिए हमारे लड़के लगते हैं, हमारा पैसा खर्चा होता है। थाने में इसलिए आया हूँ एक आवेदन देने के लिए क्योंकि आपको धरना प्रदर्शन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मतलब जो भी अन्यथा परेशान करता है, आज मैं परेशान होकर आज थाने मेरे को आना पड़ा। हाँ बिल्कुल नियम के अंदर है, मेरे को कोई डर नहीं है, जो निरंतर मैं नहीं डर रहा हूँ, मेरे जो कर्मचारी वहाँ पे हैं मैं तो दिन भर रहता नहीं हूँ वहाँ पे, है ना, वो परेशान हो रहे हैं वहाँ, वो जाके उनसे बहस करते हैं बार बार, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, काम को बाधित करते हो, यही ठेका बंद करा दूंगा, ये कर दूंगा, इन तुमको अंदर करा दूंगा, बहुत सारी बातें कर। मैं भाजपा को नहीं कार्यकर्ता हूँ, कोई पद नहीं, मेरे द्वारा स्थानीय विधायक जो है उनको भी शिकायत थी इस विषय को लेके कि मेरे को बार बार मुकेश अग्रवाल द्वारा परेशान किया जा रहा है, कृपया उनको बुलाकर जो भी उनका परेशानी है, अगर वो क्यों परेशान कर रहे हैं, बाहर की गाड़ी हम पार करते हैं उसका तो कोई शुल्क लेते नहीं है, ना ही पर्ची काटते हैं, फिर भी अपने लड़के लगा के व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी संगठन में नहीं किया हूँ, विधायक जी को किया था मैंने, और अगर नहीं मानेंगे तो संगठन को भी करूंगा, नगरीय निकाय मंत्री जी को भी करूंगा उनकी शिकायत, बकायदा की पार्षद इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। मौखिक वो तो वहाँ आकर मांगते हैं जी, वहाँ आकर मांगते हैं बराबर कि तुम अगर ऐसा, इस बार का कोई है नहीं प्रूफ मेरे पास, आगे मैं न्याय चाहता हूँ मैडम, मेरे को परेशान ना करें, मैं नियम की तरह नियम के अंतर्गत पूरा काम कर रहा हूँ, जबरदस्ती अवैध वसूली वाला मैंने आवेदन में यही लिखा है कि मेरे से बार बार निरंतर पैसे की मांग की जा रही है अवैध वसूली, मैं बिल्कुल FIR चाहता हूँ सर, इसमें बराबर न्याय होगा मेरे साथ। अगर उन्होंने मांग की है तो शायद सही मांग बताया होगा उन्होंने आपको, और मैं चाहता हूँ कि इसका प्रूफ हुआ दे कि मैंने कब मांग की, किस प्रकार से मांग की है, उसको प्रमाणित कर दे। विवाद है ही नहीं मॉल में, ये होता है हर दिन, और खासकर शनिवार रविवार को मॉल चौक से लेकर सूर्यविहार गेट जाने वाले मुख्य मार्ग MS 24 आती है जो कि निगम की रोड है, उस रोडों पे और बगल में जो सर्विस रोड है उस रोडों पे पार्किंग कराई जाती है। आने जाने जो सूर्यविहार कॉलोनी के लोग हैं पीछे में, बुजुर्ग गाड़ी चलाते हैं, महिलाएं गाड़ी चलाते हैं, बच्चे चलाते हैं, घंटों वहाँ जाम में फंस जाते हैं कई बार, और इतनी सक्रिय हो जाती है कि एक के साथ दूसरी गाड़ी वहाँ निकल नहीं सकती, आए दिन की वहाँ शिकायत होती है। हमने सिर्फ यही मांग की थी कि जो पार्किंग क्षेत्र है आप उसमें पार्किंग कराइए, आप रोड और सर्विस रोड पर कराते हैं, लोगों को दिक्कत होती है, इसके अलावा कोई विवाद है ही नहीं। मैंने सामान्य सभा में भी इस बात को निगम की सामान्य सभा में इस बात को उठाया था, और उसमें भी
राजस्व प्रभारी जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम इस पर जांच कराएंगे और इस पर अगर सही होगा तो कार्रवाई कराएंगे और बंद कराएंगे। ये नियम में है, राय हाईकोर्ट का आदेश है कि मॉल जो है, हम एक छोटा सा उदाहरण है, हम किसी दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो क्या हम उसकी दुकान के सामने साइकिल स्टैंड का पैसा देते हैं? आपने मॉल बनाया है, आपको ग्राहकों की सुविधा के हिसाब, एक नियम है ग्राहकों की सुविधा, उसके हिसाब से आपको वहाँ पार्किंग फ्री रखनी है, फिर भी आप पैसा ले रहे हैं। चलिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आपका काम है, मॉल प्रशासन जाने। लेकिन आप जो सरकारी रोडों पे पार्किंग करा रहे हैं, लोगों को आवाजाही परेशानी हो रही है, क्योंकि मैं उस जो कॉलोनी है पीछे सूर्य, उसका जनप्रतिनिधि हूँ, उस वार्ड उस कॉलोनी का पार्षद हूँ, समस्याएं मेरे पास आती है, मेरे अगर वार्डवासियों को परेशानी होगी तो उनका निराकरण करने का काम भी मेरा ही है। तो अब ये तो मेरे को जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और रही बात अगर उनके बीच में जो बात हुई होगी वो इसका विषय वो आप मतलब अंशु प्रसाद जी और जहाँ उनसे बात हुई है वही कर सकते हैं, इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता। वो मैं यही है कि ये मांग जो इन्होंने बताई है कि मैंने मांगा है 10,000 रुपये, अगर इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने सारे मीडिया कर्मियों के सामने मेरी छवि को धूमिल किया है, मेरे पर आरोप लगाया है, मैं इन पर मानहानि का केस करूंगा। तो के पार्षद के खिलाफ जो है ठेकेदार सूर्यमाल के वाहन पार्किंग का ठेकेदार द्वारा 15 मिनट पहले आवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया कि वार्ड क्रमांक 2 का पार्षद उससे पैसे की मांग करते हैं। इस आवेदन अभी प्राप्त हुआ है, इस पर जाँच की जा रही है, जो भी पाया जाता है उसके खिलाफ प्रवर्तन। अभी सुनाम का आदमी है, प्रियदर्शी प्रसाद, एक आवेदन दिया है